और प्रिंसिपल मैम एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल द टीचर्स। तो आज मैं आप सबको एक स्पीच सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शायरी सुनाऊंगी। वैसे शायरी सुनाने का काम तो मेरी टीचिंग करता है, बट आज मैं आपको तो जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती। मिलना हमारी किस्मत में था, मिलना तो हमारी किस्मत में था, वरना इतनी प्यारी दोस्ती इतनी बार होती। तो आनंद पड़ेगा कि शशिका मुझे तो ईशान बहुत पसंद है, अभी तो उससे कहते थे पानी लेकर आओ। मैं वो सारी चीज याद करूंगी जो मैंने रात में अपने दोस्तों के साथ अपने टीचर के साथ बिताए हैं। मैं वो सब याद करूंगी जो उनके साथ बैठकर बातें मस्ती खेल और इन सबको याद करते ही मैं खुश हो जाऊंगी। क्या हसीन वो लम्हे थे जब चेहरों पर मासूमियत थी और हाथों में पेन थे। लंच की घंटी बजते ही हम सबके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। जब टीचर से थप्पड़ खाना दुनिया का सबसे बड़ा खेल था और स्टोर पे टीचर दुनिया का सबसे प्यारा खेल था। अब समझ में आता कि लोगों ने वक्त ने लोगों को बदल दिया या लोग वक्त के साथ बदल गए। हम लोग जो ना होंगे यहाँ पर, याद आएंगे वो बिताए हुए सारे पल। सी यू एवरी मॉर्निंग इज व्हाट आई विल मिस द मोस्ट, और तुम सब मेरे लिए ऐसे हो जैसे चाय के साथ तुम। तो एक शायरी में मेरे सारे प्यारे दोस्तों के लिए बोलूंगी। दोस्त है जो मुझे बहुत प्यारा है, मेरी खामोशी को पहचान लेता है, बिना कुछ कहे सब जान लेता है, मेरे गम को भी बांट लेता है और कभी कभी मुझे बेवजह डांट लेता है। जीवन के हर पल में मेरा मौजूद सहारा है, दोस्त है जो मुझे बहुत प्यारा है। जितना सुंदर शब्द है उतना ही सुंदर नाता है, तभी तो हर परेशानी में वो सबसे पहले आ जाता है। दुनिया की तपती धूप में जैसे कोई शांत किनारा है, दोस्त है जो मुझे बहुत प्यारा है। कभी छुट्टी से मुझे सताता है तो कभी मेरी इंग्लिश गलत बताता है, सारी दुनिया भर की बेइज्जती करके फिर मुझे मनाती है। हर कमी के साथ जिसने मुझे सिखाया है, दोस्त है जो मुझे बहुत प्यारा है। तो एक शायरी में हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर मिस्टर प्रवीण चंद्रता के लिए बोलूंगी। जलते हैं आप दिए की तरह और रोशन हमें कर जाते हैं, जलते हैं आप दिए की तरह और रोशन हमें कर जाते हैं, उसी इसी तरह आप हमें एक सच्ची राह दिखाते हैं। हर परेशानी में हर मुश्किल में जीना हमें सिखाते हैं, आराम सुकून को भूल कर आप अपना कर्ज निभाते हैं। हम फेल न हो जाए इस डर में दुगनी पढ़ाई कराते हैं, जलते हैं आप दिए की तरह और रोशन हमें कर जाते हैं।